हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसकी है प्रैक्टिस शीट 4, और प्रैक्टिस शीट 4 का ये 8th क्वेश्चन है। इसमें हमें इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने हैं। तो इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल के अंदर कौन कौन से हमें कॉलम यूज करने हैं ये मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम होता है वो होता है सिंबल का। जो भी एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, जैसे हमें यहाँ पे आयरन दिया गया है, अमोनियम आयन दिया गया है, सल्फेट आयन दिए गए हैं और वाटर दिए गए हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो सिंबल्स आ जाएंगे। सिंबल्स आने के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आती है इनकी परसेंटेज। तो हमें आयरन की परसेंटेज गिवन है 14.32, अमोनियम की परसेंटेज है 9.2, सल्फेट की प्रेजेंट सल्फेट की जो परसेंटेज है वो है 49, और वाटर की जो परसेंटेज है वो है 27.57। अब हमने सबसे पहले इस परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे हमेशा हमारे कंपाउंड को 100 ग्राम एज्यूम करना है। 100 ग्राम एज्यूम करने का बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी परसेंटेज होती है वो डायरेक्टली अमाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी मैंने परसेंटेज लिखी थी अलग अलग आयंस की या मॉलिक्यूल्स की, अब वो सारी की सारी जो है वो हमारी एज इट इज ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये आ गया 27.57 ग्राम। अब अमाउंट आने के बाद हमें इनके मासिस लिखने हैं, चाहे वो एटॉमिक मासिस हैं चाहे वो मॉलिक्यूलर मासिस हैं। आयरन का जो एटॉमिक मास है वो 56 है, अमोनियम का हो जाएगा 14 + 4 = 18, सल्फेट का हो जाएगा 96 और पानी के लिए आएगा 18। तो ये हमारे पास सबके एटॉमिक मासेस आ गए। अब हमें इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.255। सिमिलरली 9.2 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइड करेंगे तो 0.51। यहाँ पे 49/96 डिवाइड करेंगे तो 0.51, और यहाँ पे आएगा 27.57/18 डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.53 आएगा। तो हमने इन चारों स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हमारी होल नंबर रेशो या सिंपल रेशो। तो रेशो निकालने का क्या तरीका होता है, देखो चार आंसर्स हमारे पास आए हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है हमारा लीस्ट आंसर, सबसे छोटा आंसर, तो वो है ये। इस लीस्ट आंसर से मुझे सभी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, यानी कि 0.255 डिवाइड बाय 0.255, 0.51 डिवाइड बाय 0.25, यहां भी 0.51 डिवाइड बाय 0.25, और यहां पे 1.53 डिवाइड बाय 0.25। डिवाइड करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास यहां पे Fe2 पॉजिटिव 1 है, NH4 पॉजिटिव हमारे पास 2 है, सल्फेट आयन्स भी हमारे पास 2 हैं, और हमारे पास 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के हैं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो एक Fe के साथ SO4 आ जाएगा, अमोनियम के साथ भी एक SO4 आ जाएगा, और आ जाएगा 6H2O। तो ये हमारे पास हमारे कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया है। कंपाउंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका नेम है मोहर सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।